बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। आज हम बनाएंगे रमजान स्पेशल में पॉकेट समोसा। अक्सर इफ्तारी में कबाब और समोसे तो सबके लिए बनते ही रहते हैं, लेकिन क्या बच्चों को पसंद आने वाले पॉकेट समोसे बनाए हैं कभी? तो चलिए ये चाइनीज फ्लेवर वाले पॉकेट समोसे किस तरह बनते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए आटा गूंदकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदे को छान कर ले लिया है। उसमें डालेंगे हम टेस्ट के मुताबिक नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें थोड़ा सा टाइट आटा गूंदकर तैयार कर लेना है। तो देखिए, समोसा पट्टी का आटा गूंदकर मैंने तैयार कर लिया है। इतना आटा गूंदने में मैंने 1 गिलास पानी ली थी, जिसमें से 1/2 गिलास पानी बच गया है। अब इसे हम कोई गीले कपड़े से ढककर रख देंगे 20 मिनट के लिए, ताकि आटा हमारा सूखे नहीं और अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसे ढक देती हूँ मैं। आटे को साइड में रखकर हम पॉकेट समोसे की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। पॉकेट समोसे की फिलिंग के लिए गैस पे एक कढ़ाई रखिए, उसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल गर्म हो जाएगा फिर उसमें डालेंगे हम, यहाँ पर मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियां लेके इसे बारीक बारीक काट लिया है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, इसे भी बारीक बारीक काटा है। तो आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हो, लेकिन इस तरह से जब काट कर हम लेते हैं ना बारीक टुकड़ों में, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च को बारीक बारीक काट कर लिया है। तो ये सभी चीजें डाल देते हैं हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसे हम फ्राई करेंगे कुछ सेकंड के लिए। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन का कीमा लिया है, इसे अच्छी तरह से मैंने धोकर साफ कर लिया है। ये डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से तेज आंच पर हम इसे कीमे में जो भी पानी निकलता है ना उसे पका लेना है हमें। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए, कीमे में से जो भी पानी निकला था मैंने उसे अच्छी तरह से सुखा लिया है। अब कीमे को मैं साइड में कर देती हूँ और यहाँ पर हम सब्जियाँ डालेंगे। तो पहले मैं 1 छोटा चम्मच तेल डाल देती हूँ, ताकि सब्जियाँ भी हमारी थोड़ी रोस्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 1/2 गाजर लिया था जिसे क्रश कर लिया है, और 1 बड़े साइज की प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 1/2 शिमला मिर्च ली थी, उसे भी पतली लंबी साइज में काट लिया। ये डाल देते हैं। गैस की फ्लेम ये टाइम पर हम तेजी रखेंगे। 1/2 कप मैंने पत्ता गोभी को भी बारीक बारीक काट कर लिया है, ये भी डाल देते हैं। एक बार मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम इसे कीमे के साथ भून लेते हैं ये सब्जियों को। तो ये सभी चीजों को आपने तेज आंच पर ही करना है। यहाँ पर मैं चिकन के कीमे को डालकर पॉकेट समोसा बना रही हूँ। आप चाहे तो चिकन को हटाकर सिर्फ सब्जियों से भी ये पॉकेट समोसा बना सकते हो, लेकिन टेस्ट के लिए मैंने इसमें चिकन को ऐड किया है। और आप देख सकते हो कि इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी बढ़ जाती है। चिकन के साथ 1 मिनट तक सब्जियों को मैंने पका लिया है। बहुत ज्यादा यहाँ पर सब्जियों को पकाना नहीं है, क्योंकि जो सब्जियों का क्रंची टेस्ट होता है वो भी हमें चाहिए। तो अब इसमें हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं टेस्ट के मुताबिक नमक, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है मैंने, 1 चम्मच इसमें हम व्हाइट विनेगर डालेंगे। इस तरह से बाजार में तैयार ये बोतल मिलती है। अगर आपके पास व्हाइट विनेगर ना हो ना, तो आप इसमें 1/2 नींबू का रस भी डाल सकते हो। 1 चम्मच डार्क सोया सॉस लिया है, इसके बिना भी आप इसकी फिलिंग बना सकते हो। 1 चम्मच टमाटर केचप लिया है। 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने रेड चिली सॉस लिया है। इस तरह से ये बाजार में तैयार मिलता है। अगर आप इस तरह से बाजार से नहीं लाना चाहते हो, तो आप घर पे लहसुन और लाल मिर्च की चटनी बनाकर भी डाल सकते हो। तो ये डाल देते हैं। 1/2 चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे और तेज आंच पे ये सभी चीजों को हमें मिक्स कर लेना है। बस 1 मिनट के लिए तेज आंच पे इसे पका लेते हैं हम। तो ये फीलिंग बनकर हमारी तैयार है। गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकालकर हम ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पर 20 मिनट भी हो गए हैं
आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। एक बार फिर से हम आटे की मालिश कर लेते हैं। फीलिंग हमारी ठंडी हो रही है, वहाँ तक हम पॉकेट समोसा होता है ना उसकी शीट्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। हम पलीतन के लिए थोड़ा सा सूखा मैदा ले लिया है, उसे छान लेते हैं। दो छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे हम आटे के पेड़े। ये साइज के मैंने छोटे से पेड़े तोड़ लिए हैं, दूसरा भी इसी तरह से तोड़ लेते हैं हम। अब सूखा आटा लगाकर इसे बेल लेना है हमें। पहले पूरी की तरह ये दोनों पेड़े को हम बेल लेते हैं। थोड़ा पलीतन लगाकर इसकी पूरी बना लेंगे हम पहले। दूसरे पेड़े की भी हम पूरी बना लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने तेल ले लिया है, तेल लगाएंगे। अच्छी तरह से तेल जब इसे लगाते हैं ना हम एक रोटी पर, तो जब हम इसकी रोटी पर खोलते हैं तो अच्छी तरह से ये दो रोटियां निकल जाती है। थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे इसके ऊपर। अब ये दूसरी रोटी, ये जो पूरी की तरह हमने बेली है, वो लगा कर रख देना है। थोड़ा सूखा मैदा लगा लेंगे और इसे पतली सी हमें बेल लेना है। जितनी पतली हो सके उतनी पतली हम बेल लेंगे इसे। किनारियों पे अच्छी तरह से बेल लेना है, कहीं मोटी कहीं पतली नहीं बेलना है। ये देखिए इतनी पतली रोटी बेल कर तैयार कर ली है मैंने। तो चलिए इसे बता देती हूँ कि किस तरह से सेकते हैं, फिर बाकी की सारी रोटियों को मैं इसी तरह से बनाकर तैयार कर लूंगी। तवा गरम कर लिया है मैंने, उस पर ये रोटी डाल देते हैं हम। बिस्मिल्लाह। और रोटी को हमें बहुत ज्यादा नहीं सेकना है, बस थोड़े से बबल्स आ जाएगी रोटी पर तो हम इसे पलटा देंगे। ये देख सकते हो आप, थोड़े थोड़े बबल्स आ रहे हैं, इसे मैं पलटा देती हूँ। दोनों तरफ से ही रोटी को हमें हल्का हल्का ही सेकना है, जिस तरह से हम रोटी सेकते हैं उस तरह से बिल्कुल भी नहीं सेकना है। बस ये थोड़े थोड़े सफेद ये जो स्पॉट दिख रहे हैं ना आपको, इतने आए बस उतना ही सेकना है। ये देखिए रोटी हमारी सेक चुकी है, इसे मैं निकाल लेती हूँ और आपके सामने दिखा देती हूँ इसे खोलकर। ये देखिए कितने आसानी से निकल जाती है, इसीलिए हमने वो जो पूरी छोटी सी बनाई थी ना तो उस पर तेल लगाया था ताकि ये दो हमारी रोटी बनकर तैयार हो जाए। इसी तरह से बाकी सारी रोटियों को हम बनाकर पहले तैयार कर लेते हैं। पॉकेट समोसे की सारी पट्टियां मैंने बनाकर तैयार कर ली है और इस तरह से कपड़े में ढक कर रखना है ताकि वो कड़क ना हो। ये देख सकते हो आप कितनी सारी पट्टियां हमने बनाकर तैयार कर ली है। तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। दो समोसा शीट्स की पट्टी ले ली है तो इसे स्क्वायर शेप में हम काट लेंगे इस तरह से। इसे भी काट लेंगे हम तीन भाग में। तो देखिए इस तरह से हमारे पॉकेट समोसे की शीट्स तैयार हो जाती है। ये बची हुई कतरन जो है इसे वेस्ट नहीं करना है, इसे आप फ्राई करके भी खा सकते हो या कोई चाट वगैरह आप बना रहे हो तो उसमें भी ये पापड़ी की तरह फ्राई करके डाल सकते हो, बहुत ही क्रिस्पी लगती है। तो इसे साइड में रख देती हूँ मैं और इसी तरह से सारी शीट्स को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर फिलिंग भी ठंडी हो चुकी है और ये पट्टियों को भी हमने काट लिया है। यहाँ पर 2 से 3 चम्मच हमने मैदा लेकर पानी में घोल बनाकर तैयार कर लिया है इसे चिपकाने के लिए। तो चलिए ये पॉकेट समोसा बना लेते हैं। तो एक पट्टी ले लेंगे, उस पर बीच में थोड़ा सा मैदा लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। अब इस तरह से स्क्वायर शेप में रखना है हमें। अब ये कीमे की स्टफिंग रख देंगे हम इसमें, तो 1 चम्मच रख रही हूँ मैं। थोड़ा सा इस तरह से दबा देंगे इसे। अब ये नीचे वाली पट्टी हम उठाकर इस तरह फिलिंग के ऊपर रखेंगे और इस पर मैदे का घोल लगा देना है। अब ये नीचे वाली पट्टी उठाकर इस पर दबा देंगे हम। तो अच्छी तरह से खींचते हुए हम इसे पैक कर देंगे। अब इधर के साइड पर भी मैदे का घोल लगा लेंगे और इसे उठाकर हमें इसके ऊपर रखना है। तो थोड़ा दबाते हुए हम इसे अच्छे से पैक कर देंगे। अब इसके ऊपर मैदा लगाएंगे हम, जो मैदे का घोल बनाया है।
अच्छी तरह से खींचते हुए हमें इसे फिट करना है ताकि ये अच्छी तरह से पैक हो जाए और किनारियों में से तेल ना जाए, वरना क्या होता है कि किनारियां जो खुली रह जाती है तो उसमें से तेल काफी सारा अंदर चला जाता है। ये देखिए इस तरह से पॉकेट समोसा हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपको लगे कि आपकी जो किनारियां है वो खुली रह गई है तो आपने मैदे के घोल में इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा डिप कर देना ताकि किनारियां अच्छी तरह से पैक हो जाए। लेकिन आप देख सकते हो जो हमारा समोसा है उसकी किनारियां अच्छी तरह से फिट हो गई है, इसमें बिल्कुल भी फ्राई करते टाइम तेल नहीं जाएगा। तो बस इसी तरह से सारे समोसे हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इतने पॉकेट समोसे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं और इसकी फिलिंग भी देख सकते हो आप कि अभी आधी बची हुई है, इसे हम बाद में बनाएंगे। और इस टाइम पर ये समोसों को आप स्टोर करना चाहते हो तो डीप फ्रीजर में कोई एयर टाइट डब्बे में या फिर जिपलॉक पैकेट में रखकर इसे 1 से 2 हफ्ते के लिए स्टोर भी करके रख सकते हो, ये खराब नहीं होते। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करने के लिए मैंने तेल अच्छी तरह से गर्म कर दिया है, अब इसमें डाल देते हैं हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मीडियम फ्लेम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है हमें। तो पहले तेल अच्छी तरह से गर्म कर ले और मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर ले। दोनों तरफ से इसे अच्छी तरह से गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं हम। ये पॉकेट समोसा है इसीलिए थोड़े छोटे शेप में बनता है, आप अगर चाहे तो इसे थोड़े से बड़े शेप में भी बना सकते हो, यानी इसकी जो पट्टी हमने काटी थी तो थोड़ा सा बड़ा शेप देके इसे बड़े शेप में भी आप बना सकते हो, जिस तरह से बॉक्स पेटीज होती है ना बस उसी तरह से। लेकिन बच्चों को इस तरह से छोटे छोटे जो मिनी समोसे और ये पॉकेट समोसे होते हैं ना बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, इसीलिए मैंने ये छोटे शेप देकर बनाए हैं। ये आप देख सकते हो कि अच्छी तरह से ये गोल्डन फ्राई हो गए हैं, बस इसे अब हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहे हैं, इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। देखिए गर्मा गर्म हमारे ये पॉकेट समोसे रेडी है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बने। इसी तरह से बाकी सारे हम पॉकेट समोसे को फ्राई कर लेते हैं। दूसरी बार के भी पॉकेट समोसे हमारे फ्राई हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। और अभी इफ्तारी का भी टाइम है तो मेरे बच्चे तो बार बार किचन के ही चक्कर लगा रहे हैं और आप देख सकते हो कि कितने क्रिस्पी करारी ये मज़ेदार से हमारे पॉकेट समोसे बनकर तैयार हुए। तो आज तो बच्चों की तो मज़ा हो जाएगी।